अगर आपका बैंक अकाउंट कैनरा बैंक में है और आप कैनरा बैंक का इंटरनेट बैंकिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए दो तरीके हैं पहला तरीका तो ये है कि आप कैनरा बैंक के बैंक में जाएंगे और आप इंटरनेट बैंकिंग का फॉर्म लेंगे और फिल करके सबमिट करेंगे और दूसरा तरीका ये है कि कैनरा बैंक का पहले से आपके पास ए कार्ड डेबिट कार्ड है और आपके बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर लिंक है तो कैनरा बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि कैनरा बैंक ब्रांच में जाके फॉर्म फ़िल करके इंटरनेट बैंकिंग कैसे अप्लाई किया जाता है तो चलिए शुरू करते हैं कैनरा बैंक ब्रांच से आपको सबसे पहले अप्लीकेशन फॉर्म लेना होगा इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग कुछ भी बोलेंगे तो आपको ईजिली ऐसा फॉर्म दे देगा जिससे आप यहाँ पर फिल करके सबमिट करना होता है जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कैनरा बैंक ब्रांच आपका जहाँ भी ब्रांच होगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ फॉर ऑफिस यूज़ तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है यहाँ पे डेट लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे वो डेट डालेंगे जिस डेट को ये एप्लीकेशन फॉर्म आप सबमिट कर रहे हो यहाँ पे अप्लीके नाम यानी कि आवेदक का नाम किसके नाम से इंटरनेट बैंकिंग अप्लाई किया जा रहा है वो आप नाम यहाँ लिखेंगे यहाँ पर आप अपना पूरा एड्रेस डालेंगे जैसे कि आपका गाँव या फिर शहर यहाँ पर पिन कोड डालेंगे यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे डेट ऑफ बर्थ हमेशा आपकी आइडेंटिटी आईडी आएदे से मैच होना चाहिए जैसे कि आधार कार्ड से मैच होना चाहिए यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डालेंगे यहाँ पे आप ईमेल आईडी डालेंगे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बिल्कुल सही डालें ताकि जो भी इंफॉर्मेशन आता है आपके इंटरनेट बैंकिंग से रिलेटेड वो आपके ई मेल और फ़ोन पे दोनों पर मिल जाएगा उसके बाद आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको अपने अकाउंट की डिटेल देनी होगी जैसे कि आपका अकाउंट एक सेविंग बैंक अकाउंट है या फिर करंट बैंक अकाउंट है या फिर एफ है या फिर जो भी है वो आप यहाँ पर सबसे पहले टिक करेंगे जैसे कि हमारा एक सेविंग बैंक अकाउंट है तो हम यहाँ पर सेविंग बैंक अकाउंट में अकाउंट नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे जो भी कैनरा बैंक की अकाउंट नंबर है वो आपके पासबुक में होगा तो आप यहाँ पे सिंपल लिख देंगे उसके बाद आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे लिखा हुआ इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी रिक्वायर्ड तो यहाँ पे आपको यस पे टिक करना है यहाँ पे अगर आप टैक्सेस वग़ैरह पेमेंट करते हैं तो आप यहाँ पे पैन कार्ड नंबर लिखेंगे उसके बाद यहाँ पे है मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी रिक्वायर्ड आप मोबाइल बैंकिंग लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस पे टिक करेंगे यहाँ पे है आप मोबाइल बैंकिंग में एसएमएस रिक्वेस्ट फैसिलिटी लेना चाहते हैं या फिर अलर्ट फैसिलिटी लेना चाहते हैं अगर आप एसएमएस रिक्वेस्ट फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप रिक्वायर्ड पे टिक करेंगे अगर आप अलर्ट फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो रिक्वायर्ड पे टिक करेंगे लेकिन अगर आप अलर्ट फैसिलिटी लेते हैं तो आपको नीचे कुछ और भी डिटेल भरनी होगी जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ अलर्ट फैसिलिटी इज़ रिक्वायर्ड प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल यानी कि अलर्ट फैसिलिटी में आप किस टाइप की अलर्ट फैसिलिटी लेना चाहते हैं जैसे कि डेबिट ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन या फिर बैलेंस अलर्ट ऑन मंथली बेसिस या फिर टी ओ डी एस अकाउंट इस तरीके के अगर आप अलर्ट फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे वो ई मेल लिखना होगा जिस ई मेल आई आप ये अलर्ट फैसिलिटी लेना चाहते हैं इसके चार्जेस आपको अलग से पे करने पड़ेंगे अगर आप अलर्ट फैसिलिटी लेते हैं तो अलर्ट फैसिलिटी तभी आपको मिल सकता है जब आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस टेन थाउजेंड होना चाहिए अगर टेन थाउजेंड से कम है तो आपको ये अलर्ट फैसिलिटी नहीं मिलेगी यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालनी होगी वो भी कंट्री कोड के साथ तो आप जानते हैं कि इंडिया का कंट्री कोड है नाइन्टी तो नाइन्टी लगा के आप यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखेंगे उसके बाद आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे टेली बैंकिंग फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आगे, आगे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आप यहाँ पे डिक्लेशन पढ़ सकते हैं आप अगर जनरल कंडीशन अगर जॉइंट अकाउंट होल्डर है तो आप यहाँ पर सारे डिटेल लिखा हुआ है कि उसको कैसे मिल सकता है तो अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं अदरवाइज़ यहाँ पर डिक्लेशन के बाद यहाँ पर अपडेट लिखेंगे वो डेट लिखना है जिस डेट को आप ये फॉर्म सबमिट कर रहे हो उसके बाद अप्प्लीकेंट का सिग्नेचर आप यहाँ पे अपना सिग्नेचर करेंगे यहाँ पे फॉर ऑफिस यूज़ ओनली यानी कि यहाँ पे आपको नीचे कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है बैंक वाले आपके कस्टमर आईडी बैंक का ब्रांच का जो भी स्टाम्प है वो लगा देंगे और बाकी जो भी आपका यूज़र आई है वो आपको क्रिएटेड करके यहाँ पर लिख के दे देंगे जिस समय आपका यूज़र आई और पासवर्ड आपके आपके घर पर लेटर के द्वारा मिल जाएगा उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा इसी तरह से और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें आपसे मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में तब तक तो जय हिंद वंदे मातरम